कृष्णा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हरे कृष्णा राधे राधे, मैं संगीता आप सभी का कृष्णा भक्ति चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। निर्जला एकादशी व्रत। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को यह व्रत पड़ता है। वर्ष भर में 24 एकादशियां आती हैं, किंतु इन सब में ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी सर्वोत्तम फल देने वाली है। केवल इस एकादशी का व्रत रखने से ही वर्ष भर की एकादशियों का व्रत का फल प्राप्त होता है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्षी एकादशी को निर्जला एकादशी या फिर भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि वेद व्यास के अनुसार भीमसेन ने इसे धारण किया था। इस एकादशी में एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्यास्त तक जल भी न पीने का विधान होने के कारण इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी के व्रत से दीर्घायु तथा मोक्ष मिलता है। यह व्रत अत्यंत संयम साध्य है। इस दिन निर्जल व्रत करते हुए शेष शायी रूप में भगवान विष्णु की आराधना का विशेष महत्व माना गया है। इस वर्ष निर्जला एकादशी 21 जून सोमवार को रखा जाएगा। इसका पारण मंगलवार को सुबह 6:45 से 10:00 तक पारण का समय है। जो भी निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हैं, सोमवार के दिन सुबह 5:00 तक आप जल ग्रहण कर सकते हैं, यानी सोमवार सुबह 5:00 से अगले दिन मंगलवार 6:00 तक आपको जल नहीं पीना है। आइए अब हम जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत रखने का विधान और इस दिन क्या दान करना चाहिए और दान का क्या फल मिलेगा। ज्येष्ठ मास के दिन बहुत बड़े होते हैं और प्यास भी अधिक लगती है। क्योंकि इस दिन पानी नहीं पिया जाता, इसलिए यह व्रत अत्यधिक श्रम साध्य होने के साथ साथ कष्ट एवं संयम साध्य भी है। इसी दशा में इतना कठिन व्रत रखना सचमुच बड़ी साधना का काम है। फिर भी यह व्रत हर किसी को करना चाहिए। जलपान के निषिद्ध होने पर भी इस व्रत में फलाहार के पश्चात दूध पीने का विधान है। इस दिन व्रत करने वाले को चाहिए कि वह जल से कलश को भरे, उस पर सफेद वस्त्र का ढककर रखें तथा उस पर चीनी तथा दक्षिणा रखकर ब्राह्मणों को दान दें। औरतें नथ पहनकर, ओढ़नी ओढ़कर, मेहंदी लगाकर विधि पूर्वक शीतल जल से भरा घड़ा दान कर सास अथवा अपने से बड़ों का चरण स्पर्श करें। इस दिन विधि पूर्वक जल कलश का दान करने वालों को वर्ष भर के एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। क्योंकि निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन है, इसलिए हमारे व्रत आसानी से हो जाए इसके लिए मैं थोड़े आपको टिप्स बता रही हूँ। हम में से कई लोगों को उठते ही पानी पीने की आदत होती है। सुबह जब उठते हैं पहले हम पानी पीने जाते हैं, तो ज़रूर एकादशी व्रत के पहले, निर्जला एकादशी व्रत के पहले आप ज़रूर फ़ोन में अलार्म लगा लें ताकि हमारा व्रत ना टूटे। और दूसरा है, हमें तुलसी महारानी से प्रार्थना करनी है कि हमें एकादशी का व्रत रखने का शक्ति प्रदान करें, इसी हमें प्रार्थना करनी है। भगवान का थोड़ा सा चरणामृत लेके ही हमें व्रत रखना है और चरणामृत लेके ही हमें व्रत खोलना है। व्रत वाले दिन हमें अतिशय भूख लगे
या प्यास लगे तभी हमको जूस है, दूध है, ये लेना है। लास्ट ईयर जब मैंने व्रत रखा था तो शाम को होते होते बोले थोड़ा जूस पी लेते हैं, तो आम का जूस पी लिया था मैंने। आमरस पीने से इतनी बहुत ज़्यादा प्यास बढ़ गई कि मैं परेशान हो गई। तो ध्यान रखें कि आमरस नहीं पिए, शायद उससे प्यास ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरे फ्रूट्स के जूस लिए तो ज़्यादा बेहतर है, जैसे ठंडा दूध, केला, ये ज़्यादा बेहतर है। और जो पहली बार व्रत रख रहे हैं वो डरे नहीं, आज हमारा पानी भी नहीं पीना है, ऐसा चिंता में ना गुजारें, भगवान के चिंतन में गुजारें और श्रद्धा रखें, विश्वास रखें, आप ये व्रत अवश्य निर्विघ्न पूरा करेंगे। मुझे आशा है कि आपको ये टिप्स ज़रूर काम आएगी। निर्जला एकादशी का व्रत कथा अगली वीडियो में ज़रूर सुनिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।